इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे तीसरा T20 मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा क्रिकप्लेक्स पर इस वक्त भारत और जिम्बाब्वे के बीच होने वाले तीसरे मैच प्रीव्यू के साथ। कौन हो सकता है इस मैच का की प्लेयर और क्या हो सकते हैं फेरबदल, ये रहेगी नजर, क्योंकि इस मैच में भारतीय दल में शामिल हो चुके हैं इस वक्त यहां पर इस टीम में संजू सैमसन के साथ शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल। पहले दो T20 मुकाबलों के लिए अलग टीम थी और बाकी के तीन T20 मुकाबलों के लिए अलग टीम है। ऐसे में दोस्तों ये सवाल उठता है कि जो अब नए प्लेयर यहां पे शामिल हुए हैं क्या उनको मौका मिल पाएगा, क्योंकि भारत पहला मुकाबला 13 रन से हारा था, दूसरा मुकाबला वो 100 रनों से जीता। दोनों में बड़ा अंतर था, जहां एक तरफ बैटिंग फेल हुई थी वहीं बैटिंग ने दूसरे मैच में कमाल किया और बॉलिंग ने भी कमाल किया। तो कौन हो सकता है शामिल, ये सबसे बड़ा फैसला। तो मुझे लगता है कि दुबे और सैमसन इनको ज्यादा मौका मिल सकता है, यशस्वी जायसवाल को शायद थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने शतक लगा दिया और दुनिया को बता दिया है कि ऐसे ही नहीं है वो T20 के बादशाह, और जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं मुझे लगता है कि शायद वहां छेड़खानी नहीं करना चाहेगी टीम भारतीय। ये शुभमन गिल के लिए भी एक बड़ी बात है, क्योंकि वो उनका फॉर्म है उतना अच्छा नहीं चल रहा है। पहले मैच में हालांकि अच्छी पारी खेली थी, 34 बनाए थे, लेकिन वो जो कप्तान की जो दबाव वाली पारी थी वो छलक रही थी। ऐसे में उनके ऊपर भी परफॉर्मेंस का दबाव है। ऋतुराज ने अच्छा काम किया है, हालांकि रियान पराग को क्या तीसरा मौका मिल सकता है ये सोचने वाली बात होगी भारतीय टीम में। फिर भी मेरा मानना है कि यशस्वी जायसवाल को शायद थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। वैसे भी वो T20 वर्ल्ड कप में सारे मैचों में भारत के लिए बेंच पे ही बैठे। ऐसे में जिम्बाब्वे टीम क्या करना चाहेगी? जी हाँ दोस्तों, जिम्बाब्वे भी चाहेगी कि वो एक एक मैच के बराबरी पे है, लेकिन उनके कुछ चेंजेस उनके भी बनते हैं। मुजार मानी अच्छा कर रहे हैं, चतारा ने कमाल की बॉलिंग की है। इसके अलावा आप बैनेट की बात करें तो वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। माधवीरे ये एक ऐसे प्लेयर है जो कि बहुत ही उपयोगी खिलाड़ी है। ऐसे में सिकंदर राजा भी चाहेंगे कि इस मुकाबले को जीत कर श्रृंखला को 2-1 से बढ़ोतरी करेंगे। ये सवालिया निशान जरूर है सिकंदर राजा पे, क्योंकि पहला मैच जीता था, दूसरे में इतने बड़े अंतर से हारी है जिम्बाब्वे की टीम। ऐसे में पिच का क्या मिजाज रहेगा और टॉस का? जी हाँ दोस्तों, अगर भारत ये टॉस जीतता है तो मेरा मानना है कि पहले बल्लेबाजी करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ बल्लेबाजी ही है भारत की, और ऐसे में शायद मौका भी मिल सकता है। पिछले मैच में आपने देखा होगा साई सुदर्शन को भी नहीं मौका मिला है, तो हालांकि अब वो टीम का हिस्सा नहीं है, तो ये जरूर एक अच्छी बात होगी कि टॉस जीतने के बाद क्या फैसला बैटिंग का आएगा। पिच हरारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बिल्कुल सेमी रहेगी जैसे कि पिछले दो मैचों में रही थी, और ये एक बाउंसी ट्रैक है, स्पिन को मदद हमने देखा है यहाँ पर। रवि बिश्नोई कमाल कर रहे हैं और विकेट वो ले रहे हैं। सिकंदर रजा ने भी पहले मैच में अच्छा बॉल डाला था, तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। और मैं ये पलड़ा अगर भारी करे तो अगर ओवरऑल पिक्चर के नजरिए से जो अगर देखे टीम को, तो वो भारत का नजर आ रहा है थोड़ा सा मजबूत। ऐसे में ओपनिंग जोड़ी का सबसे बड़ा एक फैसला होगा कि भारत के लिए कौन हो सकता है दो दावेदार, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल, या फिर गिल के साथ अभिषेक शर्मा। ये रहेगी नजर और हमारी भी नजर रहेगी मैच की लाइव अपडेट के साथ। क्रिकेट की बैठक में हम आएंगे ठीक कल 4:30 पर। हमारे साथ जुड़ना नहीं भूलेगा दोस्तों, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।